हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज से शुरू हो रही है अपनी एक न्यू सीरीज। अब वो न्यू सीरीज क्या होगी क्या नहीं, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी अपन चल रहे हैं काम करने के लिए, तो अपन आते हैं सीधा मोटो ब्लॉग। तो कि अपने मोटो ब्लॉग में जी खड़ी अपनी बड़ी धन्नो, लेकिन आज अपन बड़ी धन्नो को नहीं उठाएंगे, आज अपन चलेंगे अपनी छोटी धन्नो से। ये रही अपनी छोटी धन्नो। हाय, गर्मी भैया, कितनी गर्मी हो रही है, क्या ही बताई जाए। हाथों में भी कुछ पहनना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा कुछ मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है, और कैसा लग रहा कैसा नहीं आप लोग बताइएगा ज़रूर। क्योंकि देखो, अब क्या थोड़ा जुगाड़ वाला ही मोटो ब्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि अगर गोप्रो वोप्रो हम खरीदने चले तो हो गया हमारा कम से कम 50 से 70 हज़ार का खर्चा। क्योंकि यार वो आते ही 50 हज़ार का, उसके बाद हेलमेट के माउंट माउंट आप लोग जानते हो कितने महंगे आते हैं, तो वो सब कुछ अगर अपन लेंगे तो अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन तब भी अपन जुगाड़ वाला मोटो ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अपना बहुत ज़्यादा दिल है मोटो ब्लॉगिंग करने का। तो अभी कुछ दिन इसी से अपन करेंगे, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कौन सा एक्शन कैमरा खरीदना है कौन सा नहीं। और ये बताना चाह रहा था कि ये नई जो सीरीज़ रहेगी, ये रहेगी डेली ब्लॉगिंग के ऊपर। इसमें मेरे ट्रैवल ब्लॉग भी इंक्लूड रहेंगे और लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग भी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो भी मैं रोज़मर्रा में चीज़ें करता हूँ सब है इसमें, हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो सुबह से सीधा रात तक का शेड्यूल रहेगा ये, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और जे मान लीजिए आज संडे है, तो व्लॉग अपना मंडे को सुबह 9:09 पे ही आ जाएगा, हर दिन आएगा। तो आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, जैसा भी लग रहा है आप लोग बताइएगा मोटो व्लॉग मेरा। बाकी अभी मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर बैठा हुआ है कुछ काम कराने के लिए। फ़ोन तो सुबह ही आ गया था उसका 8 बजे बढ़ेगा, लेकिन मैं सो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा था कि क्या बनाना है, कल से क्या स्टार्ट करना है, क्योंकि आज पहला ही दिन है। तो मैंने सोचा था कुछ अच्छे से स्टार्ट करूँगा। अब फ़ोन तो मैं उसका उठा नहीं पाया, तो बड़ा गुस्सा हो गया। तो मैंने कहा चल मैं आता हूँ तेरे पास। तो अब मैं जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड का शोरूम और देखता हूँ क्या सिस्टम रहता है वहाँ पर। सर्विस करा रहा है वो अपनी बुलेट की, नई उठाई थी उसने। तो अपन सीधे चलते हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम, थोड़े से रास्ते को मजे लें आप लोग। लगभग लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, और ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम जहां अमन को टिकानी है अपनी गाड़ी। ये रहा इनका सर्विस सेंटर। कहाँ है गाड़ी? हो गई जी, हो गई हमारी गाड़ी की सर्विस। आंखें जलने लगी हैं, हेडलाइट लग गई है, बढ़िया। तो दोस्तों अपन दोबारा आ गए मोटो ब्लॉग में वापस, और इस समय है अपन अपनी दोस्त की धन्नो पे। ये है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, जिसकी थम है अच्छी अच्छी। आवाज़ थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये है कि गाड़ी बढ़िया चल रही है। मक्खन सर्विस के बाद कोई भी गाड़ी बेहतरीन चलने लगती है। अरे यार, अभी हाल ही हमने 200 भगाई और कैमरा ही बंद हो गया यार। मज़ा नहीं आता यार, ऐसे बंद हो जाते कैमरे तो यार। चलते चलते यूं ही, अरे नहीं यार, तुम लोग अलग आ जाते सामने। दोबारा हम पहुंच गए, और ये मार लिया हमने अपना राउंड, और हम आ गए दोबारा अपने सर्विस सेंटर की तरफ, वापिस आ गए हैं। इनकी गाड़ी की हो गई सर्विस, तो चलो भैया अब चलने का हो गया हमारा वक्त। जो उठाएंगे अपन अपनी छोटी धन्नो, अपन क्या अपने पास देखो क्या। अरे यार, एक तुझे फंस गई, रुको जल्दी निकालने गाड़ी भैया। ऐसा कुछ सीन है कि हम लोग जा रहे हैं सतीन के घर पे, सतीन चल रहे हैं हमारे पीछे। जी आ गए, देख रहे रॉयल एनफील्ड है तो आदमी कैसे दिखा रहा है, देख रहे। गरीब आदमी को हर आदमी दबाता है भैया इस दुनिया में। और ये जो रोड है ना, ये सामने है, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने हम लोगों का स्कूल था, शेरवुड कॉलेज। लेकिन हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे, क्योंकि गर्मी देखो बहुत हो रही है। तो हमने सोचा अपने घर जाने से अच्छा सत्यन के घर जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, टाइम पास करेंगे। ये हाल देखो रोड का क्या कर रखा है। ए भैया, पहले रोड बनाएंगे, फिर पाइपलाइन खोदेंगे, फिर रोड बनाएंगे, फिर पाइपलाइन खोदेंगे, कोई एक ही चीज़ कर लो यार दुनिया में ना यार। और एंट्री हो चुकी है बाला भाई की भी, अब जमेगी ना महफिल। आ गया हमारे लोगों का पिज्जा, एक सेकंड कॉपीराइट आ जाएगा, बंद हो गया जी। आ गए हमारे 3 पिज्जा, और जी नीले रंग की। अबे बड़ी कम टॉपिंग वाला पिज्जा है बे, फ्रेश वेजीज नाम से फ्रेश वेजी दे दी माने। चलो रुको, हम लोग
खा पी के मिलते थोड़ी देर में, ठीक है। और जी हम लोग सतीन के घर से निकल चुके हैं और दोबारा अपने मोटो ब्लॉग में वापस आ चुके हैं, और अभी अपन जा रहे हैं दोस्त लोग घर के लिए कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि घर पे आज खाना नहीं बना है। तो घर वालों ने बोला है कि बिरयानी पैक करा के आइए, तो बिरयानी पैक वगैरह कराएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा बाजार की तरफ जाना पड़ेगा। तो अपन अभी जा रहे हैं बाजार की तरफ, तो सीधा मिलते हैं बिरयानी वाले की दुकान पर। अरे भैया जी ले ली बिरयानी। और दोस्तों अपन आ चुके हैं अपने घर पे वापस, और यहाँ चल रही है अपनी महफिल। क्या हो गया, कहना फोन किया था तुमने, आए फोन लगाया था भैया अपनी महफिल में, चार ही तो लोग हैं दुनिया में, और ये बाला का बैग हटा दिया हमने, गंदा हो गया, जो कि हम बैठेंगे ना आराम से। हाँ मिलते हैं महफिल के बाद। हाँ तो दोस्तों वापस आ चुके हैं अपन मोटो ब्लॉग में, और ऐसी कुछ कहानी है कि देखो घर पे हो रही थी बहुत ज्यादा गर्मी और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कहाँ जाया जाए, तो हमने लगाया राशिद भाई को फोन, और हम लोग जा रहे हैं राशिद भाई की घर पे, वहीं लगाएंगे महफिल, पंखे की हवा में बढ़िया पियेंगे, वो नहीं बताएंगे, वो डेंजरस टू हेल्थ होता है, जिसको अपनी हेल्थ से प्यार ना हो वो पिए, जैसे मुझे नहीं है तो हम लोग पियेंगे। और देखो हाँ तो दोस्तों सीन ऐसा है कि अपन आ चुके हैं राशिद भाई के यहाँ, और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही भैया, देरी नहीं जा रही लेकिन तब भी ठीक है आ गए हैं। क्या पता नहीं क्या काय के पालवड़ याद करते हैं, ये बाला है जो हमेशा महफिल की क्या करते हैं, नहीं यार हमेशा महफिल को सजाते हैं, जिस सज रही महफिल हमारी ये सज रही है। हाँ तो दोस्तों अपन आ चुके हैं वापस अपने मोटो व्लॉग में, और अपन जा रहे हैं सनसेट को देखने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट होता है अपने झांसी में एक जगह पे, कहाँ पर होता है कहाँ पे नहीं वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर यहाँ से लोकेशन दिख रही है, वो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के ऊपर पहले पूरा ट्रैक करना पड़ेगा आधे किलोमीटर का, उसके बाद अपन पहुँचेंगे, और काफ़ी खूबसूरत सा भी इसे सनसेट हो रहा है। तो अपन चलते हैं और सीधा मिलते हैं आपको ट्रैकिंग वाली जगह पर। हाँ तो दोस्तों अपन आ चुके हैं अपने ट्रैक पर, और अभी जस्ट ट्रैक स्टार्ट हुआ, पीछे देख लो कितनी सी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं मात्र, अभी कम से कम मेरे हिसाब से 200-250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, आधा किलोमीटर का ट्रैक है, और सनसेट बस आधे घंटे में होने वाला है। हमारे साथ हैं सतीन भाई और हमारे कैमरामैन बाला भाई, तो चलो चलते हैं और आप ट्रैक का मजा लीजिए। हाँ तो दोस्तों अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग आ चुके हैं अपने बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहाँ से सनसेट दिखता है बहुत ही ज्यादा प्यारा। ये जगह है डुगडुगी माता, जहाँ पे एक उंगली से आप माउंटेन को ला सकते हो, जो वाली वीडियो मैंने बनाई थी, व्लॉग सेकंड था मेरा, मेंशन आउट कर दूंगा, आप लोग देख लेना जरूर। और जो यहाँ से सनसेट है ना वो कितना प्यारा है आप देख लीजिए, हवा थोड़ी तेज चल रही होगी तो आवाज थोड़ी सी कम आएगी मेरी, लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना वो आप देख लीजिए, कितना ही शानदार व्यू है। अगर आप लोगों को यहाँ आना है तो मैं इसका लिंक आपको मेंशन कर दूंगा मैप वाला, कि आप लोग कैसे आ सकते हैं। तो मैं एंजॉय करता हूँ सनसेट, आप उसका जरा थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, मिलते हैं थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ तो दोस्तों ट्रैक से अपन आ चुके हैं नीचे, आप लोगों को सनसेट कैसा लगा बता देना, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है सनसेट देखना, इसलिए मैं सनसेट देखने गया था। और ये जो सीरीज़ है ना, आज तो मैं इसको शाम में ही ख़त्म कर रहा हूँ, मतलब अभी इवनिंग में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये सीरीज़ हमेशा रात को ही एंड हुआ करेगी, क्योंकि रात के अपन जिम भी जाते हैं, तो आप लोगों को जिम वगैरह की भी एक्सरसाइज वगैरह बताऊँगा कि डेली रूटीन में आप क्या कर सकते हो, डाइट में आप क्या कर ले सकते हो क्या नहीं ले सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियोज़ में और इस ब्लॉग्स में इंक्लूड रहेगी। जो ये सीरीज़ है ना जो मैं बना रहा हूँ, ये सीरीज़ में आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हर चीज़ के रिलेटेड रहेगा कंटेंट मेरा, और ट्रैवल की तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तो मेरी जानों और मेरी रगों में घूमता है ट्रैवल। तो ये सनसेट पॉइंट आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, इसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगा आपको मैप का, कि आप लोग कैसे आ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आधा किलोमीटर, 10 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाओगे। तो इस ब्लॉग को अपन यहीं एंड करते हैं, आप लोगों को कैसा लगा कैसे नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।